अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इस्तखारा में खुश आमदीद। मैं हूँ तहमीना शेख। प्रोग्राम इस्तखारा लेकर आपकी खदमत के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे आपके मसाइल का हल। ये मसाइल मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जैसे बच्चों की शादियों में रुकावट होती है, मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, कारोबार में मुख्तलिफ किस्म के मसाइल आ रहे होते हैं। इन तमाम मसाइल के हल के लिए आपके सामने प्रोग्राम इस्तखारा पेश किया जा रहा है, जिसमें हमारे साथ स्टूडियोज में तशरीफ फरमा है पीर वकास अली खालिद साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इनके साथ ही तशरीफ फरमा है अलामा कासिम रसूल साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अगर आपके साथ भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, कोई परेशानी है, तो आप हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉल कर सकते हैं और अपने किसी भी मसले का हल जान सकते हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में रहते हुए आपको विर्द और वज़ाइफ के जरिए से मसाइल का हल बताया जाता है, जिससे आप लोगों के मसाइल हल होते हैं। अपने किसी भी किस्म के मसले मसाइल के लिए आप हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉल कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप लोग कॉल करें तो कॉल करने से पहले अपने टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर लिया करें, जीरो पे कर लिया करें, ताकि आपकी आवाज़ हमें आए। जब आपके टीवी का वॉल्यूम ऊंचा होता है, हमें आपकी आवाज़ नहीं आती और लाइन भी ड्रॉप हो जाती है। तो अपनी और हमारी आसानी के लिए टीवी का वॉल्यूम बंद करके फिर कॉल किया करें, आवाज़ बिल्कुल बंद कर लिया करें, इससे आसानी रहेगी आपकी भी और हमारी भी। कुछ नाज़रीन हमें खतूत लिखते हैं और अपने मसाइल भिजवाते हैं, वो जवाबी लिफाफा साथ में भेजा करें, ताकि आपके मसले का हल भी उसमें लिखकर आपको भेजा जा सके। जब आपके खत के साथ जवाबी लिफाफा नहीं होता तो फिर आपको जवाब भी नहीं दिया जाता। जब भी खत लिखें जवाबी लिफाफा लाजमी भेजें। हमारे तमाम वो नाजरीन जिनको हल बताया जाता है और वो सुन नहीं पाते किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी वजह से नहीं सुन पाए कि क्या हल बताया है, YouTube पर प्रोग्राम इस्तखारा तारीख के साथ डेट वाइज आप सर्च करेंगे, आप लिखेंगे तो निकल आएगा और पूरा प्रोग्राम दोबारा देख सकते हैं कि मसले का क्या हल बताया गया है। आज के प्रोग्राम के फर्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अता मोहम्मद है, सुगोदा से बात कर रहा हूँ मैं जी। क्या कहना चाहते हैं? मसला यह है कि मेरे दो भाई हैं, एज उनकी तकरीबन 50 साल 45 साल है जी। बड़ा भाई है मोहम्मद अशरफ। अच्छा जी। और दूसरा छोटा है मोहम्मद अकबर, उसकी तकरीबन 45 साल एज है जी। दोनों टीचर हैं, तो वो शादी नहीं कर रहे, बड़ी कोशिश की है, बड़ी कोशिश की है, वालिद वालदा भी दोनों फौत हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि उनके उनकी शादी हो जाए, कहीं भी हो जाए, जहां वो चाहते हैं वहीं हो जाए, लेकिन शादी का नाम तक नहीं लेते। जब भी बात करें शादी की तो हमसे नाराज हो जाते हैं, बोलना तक छोड़ देते हैं। चलें जी, आपको बताते हैं इस हवाले से, गाइडलाइन देते हैं, पीर साहब से जानते हैं कि इस मसले का क्या हल है। बहुत शुक्रिया अता साहब, आपने हमें कॉल किया। पीर साहब बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदीन व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम व सल्ली अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाबर का नाम से इब्तिदा। देखें, आपने जिस मोहब्बत के साथ सवाल किया और जिस सीरियस बुनियादों पे आपने बात की है, लेकिन जो जिनकी शादी तहमीना शेख साहिबा होनी है, जब वो ही एग्री नहीं है तो हम दुआ कर सकते हैं मामलात आगे बढ़ने के लिए, बेहतरी की जानिब जाने के लिए। असल में जब है, जब जिसकी शादी है वो राज़ी होगा, उसके बाद आप रिश्ता तलाश करेंगे, फिर मामलात बेहतर हो जाएंगे। आप शादी की बात करते हैं, आपके भाई नाराज़ हो जाते हैं। अल्लाह करे कि इस नौबत से आप लोग बाहर निकलें और बखूबी मोहब्बत के साथ रजामंदी का सिलसिला जारी हो। मैं एक वजीफा बताता हूँ, ये वजीफा करें, अल्लाह पाक करम फरमाए। ये वजीफा इनके भाई करेंगे या वो खुद करेंगे? भाई तो शादी नहीं करना चाहते, उन्होंने वजीफा क्या करना है। तो मैं पहले तो ये बात उनको मशवरा दूंगा कि उनको मनाए, ठीक है, कि आप जो ना उम्र गुजरती जा रही है और कितनी उम्र आपने गुजारनी है, पहले उनको मनाए, फिर ये वजीफा करें, या अजीजो या वदूदो, अल्लाह पाक करम करे और आपके भाइयों के दिल नरम हो और मायल बा शादी हो। जी जी, सही, बिल्कुल ठीक है। जैसे कि आपको बताया है जी, पीर साहब ने यकीनन समझ में आया होगा, यकीनन ये एक ऐसा मसला है जिससे फैमिली तो बहुत ज्यादा परेशान होती है। हर चीज का एक टाइम होता है और जब टाइम निकल जाता है तो मसाइल बढ़ जाते हैं, तो आप इस पर जरा गौर कीजिए। बाकी पीर साहब की गाइडलाइन आपके सामने है। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम।
लाइन ड्रॉप हो गई, माजरत ही कर सकती हूँ जी, आप दोबारा ट्राई कीजिए, आपकी कॉल मिल जाएगी। और इसके साथ ही अपने बाकी तमाम नाजरीन जो कि प्रोग्राम इस्तखारा देख रहे हैं वो बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं, अभी काफ़ी टाइम है प्रोग्राम में, अपने मसाइल हमारे साथ शेयर कीजिए, आपको आपके मसले का हल भी बताएंगे और आपको गाइडलाइन भी देंगे। वो लोग जो अपनी किसी ख्वाब की वजह से परेशान हैं वो हमसे ख्वाब का मतलब या ताबीर भी जान सकते हैं और उसी ख्वाब के हवाले से क्या सदका करना चाहिए, तमाम के तमाम गाइडलाइन आपको पीर साहब भी और अलामा साहब भी बिल्कुल देंगे और उस पर आप लोग यकीनन अमल भी करेंगे। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है और कहां से हैं? मैं दिलफराज बात कर रहा हूं हरिपुर से। क्या नाम है आपका? दिलफराज। दिलफराज जी। अच्छा थोड़ा सा ऊंची बोले भाई, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ कुछ दिन पहले इसी प्रोग्राम में आपसे शाह साहब ने जी शाह साहब से एक आदमी ने मसला पूछा था कि घरेलू मेरे हालात ठीक नहीं है। घरेलू हालात ठीक नहीं हुए उसको जी? आप ऊंची बोलेंगे तो बात समझ में आएगी ना। अच्छा आवाज मेरी गला खराब है। अच्छा ठीक है बताइए बताइए। तो उन्होंने शाह साहब ने उनको बताया था कि अपने घर में एक अजान देने का बोला था कि अजान दे चारों कोनों में, उस बारे में मैं पूछता हूँ कि अजान हो सुबह की अजान या वैसे जो आम अजान टाइम पे देते हैं वो देने चाहिए। ठीक है बिल्कुल आपका सवाल आ गया जी, इसका जवाब हम दोबारा से ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल की है। क्या कहेंगे इस हवाले से? अलामा साहब के घर के हालात ठीक नहीं है और प्रोग्राम में कुछ दिन पहले कॉल की थी तो बताया गया था कि घर के चारों कोनों में अजान दें, तो सवाल यह है कि अजान फजर की दें या कौन सी वाली दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सैयदी या नूरल्लाह। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमाए, आपको आपके घर वालों को सुकून अता फरमाए, रिस्क में इजाफा फरमाए। मेरे भाई एक अपने उस अमल में इजाफा करते हुए एक और चीज़ को मैं शामिल करता चला जाऊँ, जहाँ नमाज़ों की पाबंदी करें, नमाज फजर के बाद आप एक तस्बीह अस्तग़फिरुल्लाह और एक तस्बीह आयत करीमा की लाजमी कर लें अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। और जहाँ तक रही बात आपको अजान कहने का कहा गया था, तो जिस तरह पिछले दिनों में कोविड-19 में अक्सर आपने देखा होगा कि लोग रात को 10 बजे के बाद अपनी छतों पर जाकर अजान देते थे, तो वो फ़र्ज़ नमाज के लिए अजान नहीं दी जाती थी, वो इसलिए दी जाती थी कि अल्लाह पाक उस अजान की बरकत से इस वबा से कोविड-19 जैसी बीमारी से हमें महफूज रखे और जल्द अज जल्द छुटकारा अता फरमा दे। तो इसी तरह आप भी रात के वक्त या दिन के रात के वक्त कर लें फिर भी बेहतर है कि आप अपने घर पर, जिस तरह अलामा साहब ने जिन्होंने भी आपको ये बताया था अमल, उन्होंने बताया था कि किस वक्त देनी है और किस तरह से और कितनी मरतबा देनी है, तो वक्त मैंने आपको बता दिया है, बेशक रात के वक्त आप अपने उस घर पर उस मकाम पर चले जाएँ जाकर अजान दे दें। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको बता दिया है अलामा साहब ने, आप इस पर अमल करें। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? हेलो जी, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम जी, बात कीजिए, आपका क्या नाम है? मोहतरम बात कीजिए, आपकी कॉल मिली हुई है, क्या नाम है आपका? लाइन ड्रॉप हो गई है जी, आप दोबारा से ट्राई कर लीजिएगा, ऑडियो का शायद इशू आ रहा था और मे बी समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि सिग्नल्स का इशू आता है तो लाइन जो है वो ड्रॉप हो जाती है। जितना मार्जिन होता है हम बार बार पूछते हैं, हमारी ये कोशिश होती है कि जिस कॉलर की कॉल मिल गई है उससे बात की जाए और उसको उसके मसाइल का हल बताया जाए, लेकिन चूंकि आवाज़ का बहुत ज़्यादा इशू हो तो फिर बाज़ूकात लाइन ऑटोमेटिकली ड्रॉप भी हो जाती है। नज़रीन ये प्रोग्राम इस्तखारा जो कि आपके सामने पेश किया जा रहा है ये किसी किस्म का कोई पेड कंटेंट नहीं है और जो भी उलमाए कराम पीर हजरात हमें ज्वाइन करते हैं वो भी यहाँ पर फीस सबीलिल्लाह तशरीफ लाते हैं और आप लोगों को आप लोगों के मसाइल का हल बता रहे होते हैं अल्लाह पाक के नाम, कुरान पाक की आयात और कुरान पाक की सूरतों के जरिए से, जिससे हमारे मसाइल हल होते हैं। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, टीवी की आवाज बंद कर लें, आपकी मेहरबानी है। हेलो टीवी की आवाज बंद कर लें अपने।
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहतरमा, टीवी का वॉल्यूम बंद कर लें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुमाइला है। अच्छा जी, आगे क्या कहना चाहती हैं? हेलो शुमाइला, आप क्या कहना चाहती हैं? जी, मैं अपने घर के मसाइल के बारे में पूछना चाहती हूँ। पूछें। एक तो मेरा अपना घर नहीं है, ठीक है, और दूसरे फाइनेंशियली प्रॉब्लम है घर में। कौन सा प्रॉब्लम है? तो उसके बारे में पूछना चाहती हूँ। फाइनेंशियली प्रॉब्लम है और अपना घर नहीं है। शुमाइला, आपको दोनों मसलों के हवाले से बताते हैं कि इसका क्या हल है, और अल्लाह ताला खैर करेंगे, आपके मसले हल भी हो जाएंगे। पाबंदी के साथ आपने करना है। शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल किया लेकिन वॉल्यूम आपने बंद नहीं किया। जी पीर साहब, इस हवाले से ये अर्ज है कि मेहनत करें, और जब मेहनत की जाती है तो मामला बेहतरी की तरफ जाते हैं। बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी एक मामलात को अच्छी तरह समझ के इसने आगे बढ़ना है मेरी बहन ने, कि घर बनाना इस दौर में तमीना साहबा इतना आसान नहीं रहा, मगर जब इंसान मेहनत करता है और उसकी एक पूरी प्लानिंग करता है तो आसान हो जाता है। नामुमकिन कुछ नहीं, बिल्कुल नामुमकिन कुछ नहीं। मेहनत करें, साथ में अल्लाह का जिक्र करें, दुरूद पाक कसरत के साथ पढ़ें, अल्लाह पाक करम फरमाएंगे। एक तस्बीह आपने करनी है या रजा को या अल्लाह की, और फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन की तिलावत एक बार रोज किया करें, और या रजा को या अल्लाह की एक तस्बीह करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक करम फरमाएंगे, और मेहनत जारी रखें, आपको घर भी मिलेगा और मामला भी फाइनेंशियल आपके अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, जैसे शुमाइला आपको बताया है आप इस पर अमल करें। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? जी नईम बात कर रहा हूँ। नईम बात करें, कहाँ से? तो अगर ये बात सुने, अगर ये घर में दूध होए और उसे रखे जी तो कड़वा हो जाता है, ये इसका क्या वजह होती है? क्या दूध दोहे और उसको घर में रखे तो वो कड़वा हो जाता है? जी जी, कड़वा हो जाता है। कितने टाइम के बाद? बदबू भी आती है। कितने टाइम के बाद कड़वा हो जाता है? जी नईम साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। तो फिर जवाब तो दें ना आप, कितने अरसे के बाद? ये एक दो माह से। दो माह से ऐसे हो रहा है? कितनी देर दूध को रखें तो वो कड़वा हो जाता है? वो दही बनाने के लिए रखे ना। जी जी जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने हमें कॉल की है। वैसे नईम साहब, आपका सवाल इस किस्म का है, वो किसी आप हकीम से पूछें तो वो ज्यादा बेहतर इस चीज के हवाले से आपको गाइडलाइन देंगे। ये प्रोग्राम इस्तखारा है जिसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लिया जाता है और फिर मसाइल का हल आपको बताया जाता है कि उन मसाइल का क्या हल है। फिर भी हम पीर साहब से पूछ लेते हैं कि पीर साहब कोई गाइडलाइन दे देंगे, या अलामा साहब से पूछ लेते हैं कि अलामा साहब इस पर कोई गाइडलाइन दे दें। जी बिल्कुल मेरे भाई, सबसे पहले तो आपको गुजारिश करूंगा कि आप सलात व सौम की पाबंदी करें, नमाज़ों की पाबंदी करें, अपने घर पे कुरान पाक की तिलावत करें, कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ें, ताकि आप पर, आपके घर वालों पे रब ताला की रहमत व बरकतों का नुज़ूल हो, और जो मुख्तलिफ़ कस्म की परेशानियाँ हैं, जो दुख हैं, अल्लाह पाक उस कुरान पाक की तिलावत के सदक़े से, सलात व सौम की पाबंदी करने की वजह से, नमाज़ों की पाबंदी करने की वजह से, बकसरत दुरूद पाक पढ़ने की वजह से, तो अल्लाह पाक आपकी वो परेशानियों को, आपके वो दुखों को, आपकी वो तकलीफ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर सब जी देना चाहता हूँ, अल्लाह पाक करम फरमाएंगे इंशाल्लाह, जो जो अलावा साहब ने बताया उस पर अमल की रहे। साथ में आपने पूरे 11 दिन दूध को जमा नहीं करना, 11 दिन आपने दूध को जमा नहीं करना, दही के लिए दूध आए उसको इस्तेमाल कर देना या बेच देना है। 11 दिन आपने मुसलसल जो के जो अलामा साहब ने आपको बताया वो पढ़ना है, और आयते करीमा की तस्वीर रोज करनी है आपने, और दूध को जमा नहीं करना, दही बाहर से लेके। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, क्या नाम है आपका? हेलो हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नादिया। नादिया कहाँ से कॉल कर रही हैं? सियालकोट से, समरियाल। अच्छा, क्या कहना चाहती हैं? मेरे नाम औलाद नहीं है, औलाद बारे पूछना। कितना अरसा हो गया शादी को? 6 साल गुजर गए, 7वां साल लगा हुआ है। सातवां साल। अच्छा,
चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया नाजिया आपने हमें कॉल की है। 7 साल हो गए हैं आपकी शादी को, लेकिन औलाद जैसी नेमत से आप महरूम हैं। आप डॉक्टर के पास जाएं और अच्छा से चेकअप करवाइए, अपना भी और अपने मियां का भी। रूहानी इलाज आपको बताते हैं, फिर सब बताइए। अल्लाह पाक करम फरमाए, मेरी बहन आपको औलाद की नेमत से नवाजे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं इंशाल्लाह ताला। और जैसे कि आपको बताया गया कि अच्छे डॉक्टर से भी आपने मशवरा करना है, यकीनन 6 साल हो गए आपने किया होगा, अल्लाह करीम आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी पैदा फरमाए। सूरह मरियम की आपने तिलावत करनी है, सूरह मरियम आप एक बार रोजाना पढ़ा करें, अल्लाह पाक करम फरमाएंगी, आसानियां होंगी। दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं, अल्लाह करीम आपको आका अलैहिस्सलाम के तुफैल औलाद की नेमत से नवाजे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। सूरह मरियम की तिलावत करें और अच्छे से डॉक्टर से मशवरा और रुजू और उसका जो इलाज है उसको जारी रखें और अल्लाह पे यकीन रखें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात आपको औलाद अता फरमाएगी। बिल्कुल ठीक है इंशाल्लाह ताला। आपको जैसे कि बताया गया है जी, आप इस पर नाजिया आप इस पर अमल करें, अल्लाह ताला खैर करेंगे और अपने लिए दुआ भी करें। हम लोग भी इज्तमाही दुआ करते हैं, उसमें तमाम कॉलर्स जिन्होंने हमें ज्वाइन किया होता है उनके लिए भी दुआ की जाती है, तो आप खुद भी दुआ कीजिए, अल्लाह ताला दुआ कबूल करते हैं। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नजीर नाम है मेरा। मोहम्मद नजीर, अच्छा जी, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ जी। नजीर साहब बोल रहा हूँ जी। नजीर साहब, मैंने पूछना है कि मेरी वाइफ को जी ख्वाब में गदला पानी बहुत ज्यादा नजर आता है। अच्छा जी। और सांप वगैरह भी बहुत ज्यादा दिखती है, और ये अरसे से है, काफी अरसे से। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो जी, आपको बताते हैं इस हवाले से। नजीर साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की है जी। अलामा साहब, गदला पानी और सांप, अल्लाह पाक आसानियां फरमाए मेरे भाई आपके लिए, आपकी मुश्किलात आपकी परेशानियों को दूर करे। सांप का नजर आना ख्वाब में ये बेहतरी की अलामत नहीं है, लेकिन आप सबसे पहले सलात सोम की पाबंदी करें, आप आपके घर वाले जो हैं वो नमाज़ों की पाबंदी करें, नमाज फजर को जब अदा कर लें तो उसके बाद सूरह यासीन की तिलावत अपने घर पे लाजमी कर लें, और रात के वक्त जब आपकी वाइफ जो हैं वो सोने लगें तो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत मुबारक की तिलावत कर लें। हदीस मुबारक में आता है कि जो इसकी तिलावत कर लेता है तो वो हर आफत से बचाने के लिए उसे काफ़ी होंगी। और आयत करीब दुरूद पाक जब उसके बाद अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें, और उसके बाद आयतुल कुर्सी एक मरतबा पढ़ के अपनी उंगली के इशारे के साथ अपने इर्द गिर्द वो हिसार कर लें, अपनी उंगली के साथ इर्द गिर्द हिसार करके वो सो जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह पाक अपना करम फरमाएगा, अपना फजल फरमाएगा उसके साथ साथ। लेकिन सदका लाजमी देना है, हस्ब मामूल जितनी इस्तेआत है आपकी सदका लाजमी दें, ताकि अल्लाह पाक आपकी परेशानी आपकी मुसीबत को दूर कर दे। बिल्कुल ठीक है जी, जैसे कि आपको बताया गया है आप इस पर अमल करें। नज़ीर साहब, आपकी मिसेस के हवाले से इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला जो ख्वाब का है जिसमें गंदा पानी और सांप आपको नजर आते हैं ये भी ठीक हो जाएगा, और जैसे कि समझाया है अमल आप लोगों ने पाबंदी के साथ इस पर करना है ताकि इससे प्रॉपरली जान छूट सके। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम बात कीजिए, आपकी कॉल मिली हुई है। अस्सलामु अलैकुम। लाइन ड्रॉप हो गई है, अब आप दोबारा से ट्राई कीजिएगा, लेकिन जब दोबारा कॉल करें तो फिर बात कर लीजिएगा, बच्चों से बाद में बात कर लीजिएगा कॉल के बाद, ताकि बाकी लोगों का हर्ज ना हो। बहुत से लोग प्रोग्राम इस सकारा में कॉल कर रहे होते हैं एट ए टाइम, बहुत से लोगों को नंबर बिजी भी मिलता है, तो जब भी आपकी कॉल मिल जाए आप बात कर लिया करें, ताकि बाकी तमाम लोग जो इंतजार में होते हैं उनका इंतजार कम हो और उनकी भी कॉल मिल जाए। इस तरह से बाकी लोगों का भी हर्ज होता है और प्रॉब्लम यकीनन आपको भी फील होती है, हमें भी फील हो रही होती है, बार बार पूछना पड़ता है कौन है कहाँ से है। तो आसानी के लिए आप जरा पहले कॉल से पहले एक तो वॉल्यूम बंद करें और कॉल मिल जाए तो बात किया करें। नेक्स्ट कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद यकूब जी। मोहम्मद यकूब जी, जिला ननकाना। क्या कहना चाहते हैं याकूब साहब, बुलंद आवाज में बात करें जी। मैडम जी, साधे का ना लड़ाई झगड़ा नहीं मौका जी, लड़ाई झगड़ा पड़ा हुआ। किन का लड़ाई झगड़ा है? ये मतलब कि मैं आलमा क्राम से। लड़ाई झगड़ा किसका है? बस अपने बीवी पर, बीवी सारा मियां बीवी का झगड़ा नहीं सारा मौका। मियां बीवी, आप दोनों मियां बीवी का झगड़ा है। ठीक है, चलें आपको बताते हैं जी कि आपका ये लड़ाई झगड़ा जो है वो मोहब्बत में बदल जाए और बड़ी अच्छी जिंदगी गुजरे, इस हवाले से बताते हैं। शुक्रिया।
जी अलामा साहब, देखिए लड़ाई झगड़ा इसको रोकने के लिए दोनों जो फरीकैन हैं उनका किरदार बहुत ज़रूरी है। अगर एक गुस्से में है तो दूसरा सब्र कर ले, और अगर दूसरा गुस्से में है तो पहला सब्र कर ले, इससे मामलों आगे बढ़ते हैं तो जो झगड़ा है जो लड़ाई है ये ख़त्म हो सकती है अगर हम करना चाहें तो। आप मेरे भाई या अजीज़ हो या वदूद हो की एक तस्बीह आपने रोज़ाना करनी है, और तस्बीह के साथ आपने अल्लाह का जो नाम आपने लेना है, जिक्र करना है, साथ में अपने आपको तसली भी देनी है, दिल को नरम भी करना है, हौसला भी पैदा करना है, और सब्र और शुक्र की दौलत को भी हासिल कीजिए। और बर्दाश्त ये बहुत बड़ी एक कुव्वत बन चुकी है इस दौर के अंदर। घर उन्हीं के बसते हैं जिनमें सब्र है, तहम्मुल है, बर्दाश्त की कुव्वत है, उनके घर बसते हैं। तो इसलिए अपने आप को चाहिए कि आप सब्र और तहम्मुल से आगे बढ़ें, और जिंदगी के मामला तेजी के साथ जो बढ़ते जा रहे हैं इसमें नरमी पैदा करें, और या अजीजों या वदूदों की तस्बीह किया करें। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको बताया है जी, आप इस पर अमल करें, इंशाल्लाह ताला आपका ये जो मामलात हैं ये ठीक हो जाएंगे, झगड़े खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? नाम बता दें। अपना नाम बता दें। लाइन ड्रॉप हो गई है जी। नाम आपसे पूछा, आपने नाम भी नहीं बताया और लाइन भी आपकी ड्रॉप हो गई इसी कश्मकश में। अब आप दोबारा ट्राई कीजिएगा ताकि आप जो भी बात करना चाह रही थी वो बात आपकी हो सके। लेकिन जब आप दोबारा कॉल करें तो पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ कॉल कीजिएगा, बात कीजिएगा, ताकि आपका मसला जो है वो हल हो सके। हमारे तमाम नाजरीन जो हमारा प्रोग्राम इस्तखारा देख रहे हैं वो जब भी कॉल किया करें तो पहले तवज्जो के साथ बात कर लिया करें। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नाम बताएं। मैं बच्चों का हकीका किया है, और ना जब मेरे बच्चे छह बेटियां और एक बेटा है। अच्छा जी, तो उनका जो हकीका मैंने किया, मैं एक बेटी मेरी ना नानी के घर थी, दूर है नानी का घर ना मियांवाली में, और हम भावलपुर में। अच्छा जी, तो उधर से ना जब हकीका किया बच्चों का, तो उनसे कहा खुद उनसे जो देश की बेटी थी ना एक, जो हमारा पूरा हिस्सा बन रहा था, सात हिस्से पूरे जानवर के जी, और हमने अपने देश की बेटी का नाम दे दिया था। अभी ना नानी के घर है ना हमारी एक बेटी, उसका रहने दे, जो देश की बेटी है ना उसको साथ मिला देते हैं जी। तो अब ये हमारी बेटी का हकीका हुआ या फिर देश की बेटी का हो गया साथ, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। कुछ पूछना चाह रहे हैं फिर सर? लाइन ड्रॉप हो गई है जी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल किया और नाम भी मैंने दो तीन मरतबा पूछा, आपने नहीं बताया। देखते हैं कि जहां तक आपका मसला समझ में आया वहां तक थोड़ी बहुत गाइडलाइन फिर सब दे दीजिए। देखिए, अकीका करना बेहतरीन अमल है और करना चाहिए, लेकिन आपने जिनके नाम से किया है उन्हीं का अकीका होगा। जिनके आपने नाम से किया, अपनी बेटी के नाम से किया है तो उनके नाम से होगा, और किसी और की बेटी के नाम से किया है तो वो जो मामला है वो और है। और आपने नाम लेना, फिर नियत का सबसे बड़ा अमल दखल होता है, तो ये आप सारा मामला आपका ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो पूरी उनकी समझ नहीं आ सकी कि उन्होंने एंड क्या किया, उन्होंने किस बात पे किया। ठीक है, जैसे आपको बताया गया है जी, यकीनन आपको आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा कि जिसका नाम लेकर किया है, जिसकी नियत से किया है, यकीनन अकीका उसी का हुआ। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? हेलो सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? वालेकुम अस्सलाम। हेलो हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है आपको मोहतरमा? मैडम मेरी आवाज नहीं आ रही। मुझे आ रही है आपकी आवाज जी, नाम बताएं। मैडम मेरी आवाज आता पहुंच रही है? जी पहुंच रही है, नाम बताएं। मैडम मैडम मैंने आपसे बात करनी थी। जी जी कीजिए, मैं सुन रही हूँ आपकी बात। मैडम मैंने आपसे बात करनी थी कि मेरा बेटा कुरान पाक की संस्कार है जी, वो तकरीबन तीन चार साल से कर रहा है
जी। तो आजकल तकरीबन 2 माह से हो गए कि उसकी इतनी मर्जी नहीं लग रही है, मुझे बता सकते हैं कि उसका कोई नजीफा वगैरह? 2 माह से क्या हो रहा है? बहुत परेशान किया है उसने मुझे। अच्छा चल चले ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपने अपने बेटे के हवाले से सवाल किया। मैडम अभी तक उसने 11-12 फर्ज किए, आज के उसका दिल कहता कि मामा मैं जाते जाते मेरा दिल जो है ना उधर जाने का दिल नहीं करता मदरसे। ठीक है ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया जी, आपको बताते हैं, शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल किया। अलामा साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? जाहिर सी बात है, वालिदा हैं, परेशान हैं। आज हमारे माशरे की एक तल्ख हकीकत यह भी है कि जिस बच्चे को, चाहे वो तालबिलम है या चाहे वो बच्चा है या वो बच्ची है, हम मदरसे में भेजने के बाद मेजोरिटी मोस्टली जो वालिदैन हैं वो टीचर से जाके उसकी प्रोग्रेस जो है उस वो जो वहाँ पे जाके सुनाता है नहीं सुनाता, वालिदैन पूछना छोड़ देते हैं क्योंकि मदरसे की तालीम है, इसलिए देखने में आता है सुनने में भी आता है। तो 4 साल का पीरियड आप बता रही हैं गुजर गया है, और अमूमन जो हिफ्ज़ का पीरियड है वो 2.5 से 3 साल में है, जो मैक्सिमम एक लिमिट जो है वो 2.5 से 3 साल की है। वो अब बच्चे की मेंटली प्रोग्रेस पे है, अगर वो उसे 1 साल में कर ले 1.5 साल में कर ले, लेकिन खैर दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए और उसे बाअमल हाफिज़ कुरान बनाए। मेरी बहन आप सबसे पहले तो इनके जो वालिद ग्रामी हैं उनसे गुजारिश करें कि वो टीचर से जाके लिंक अप हो, वो टीचर से पूछें मदरसे आके पढ़ता है नहीं पढ़ता, अगर नहीं पढ़ता तो उसकी वजह क्या है, इसकी गैदरिंग तो नहीं ख़राब, ये जिन बच्चों में उठता बैठता है आया वो बच्चे कैसे हैं, वो अच्छाई की दावत देने वाले हैं वो बुराई की तरफ ले जाने वाले हैं। आप बहसियत वालिदा आपकी ज़िम्मेदारी में शामिल है कि उसकी तरबियत अच्छी करें, और वालिद साहब से कहें वो इदारे में जाके पूछें उनसे कि इसकी वजह क्या है। मैं आपको पढ़ने के लिए बता देता हूँ, आप सलात व सौम की पाबंदी करें, नमाज फजर को अदा करने के बाद 200 मरतबा पहला कलमा, और नमाज ईशा को अदा करने के बाद 200 मरतबा या हय्यू या क़य्यूम अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ आप पानी में दम करके अपने बच्चों को पिला दें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक अपना करम फरमा देगा। लेकिन करम के साथ साथ सबसे पहली बात यह भी ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों की तरफ तवज्जो भी दें, आया उनकी गैदरिंग कुछ ऐसी तो नहीं जिसकी वजह से वो दीन की तलीम हासिल नहीं कर रहे और उसमें वो पीछे होते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको गाइडलाइन दी है जी, आप इस पर ज़रा ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि तालीम भी हासिल कर रहे हैं और माशाल्लाह दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं, तो ज़रूरी है आप इन पर ध्यान दें, और जैसे कि आपको अलामा साहब ने समझाया है अमल कीजिए। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है और कहाँ से हैं? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम जी, बात कीजिए। अस्सलामुअलैकुम। हेलो, बात कीजिए मोहतरमा, क्या कहना चाहती हैं, अपना मसला बयान कर दें। जी हम, मैंने आपसे पहले भी वजीफा लिया था, हम मकान बेचना चाह रहे हैं लेकिन ना वो बिक नहीं रहा। मकान बिक तो नहीं रहा, 5-6 माह हो गया हमने आपसे वजीफा लिया था, सूरह तारक पढ़ने के लिए दी थी। ठीक है, तो वो पढ़ रहे हैं लेकिन अभी तक ना कोई कस्टमर नहीं आया, आते हैं पसंद आ भी जाता है फिर चले जाते हैं, बिक नहीं रहा। नाम क्या आपका जी? नाम क्या है आपका? आवाज नहीं आ रही। ठीक है, आपका मसला समझ में आ गया, उस हवाले से जानते हैं, शुक्रिया आपका जी, आपने हमें कॉल की है जी। क्या कहेंगे इस हवाले से पीर साहब? इस हवाले से अर्ज ये है कि मकान इंशाल्लाह इनका बिक जाएगा, और जिस दिन अल्लाह पाक को मंजूर हुआ उस दिन तो जरूर उसने बिक जाना है इंशाल्लाह ताला। तो इनको चाहिए कि इतनी तेजी ना करें और इतनी जल्दी ना करें, जल्दी में मामला खराब होते हैं। आपकी जगह है, आपका मकान है, तो उसको धीरे सुकून के साथ जो उसकी मौजूदा प्राइस है उसी में उसको सेल करें। जब आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी करेंगे तो यकीनन उस तरह का मामला नहीं होगा। तो एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि अल्लाह पाक तीसरा कलमा पढ़ें आप, तीसरा कलमा उसकी एक तस्बीह रोजाना आप कीजिए, अल्लाह पाक करम फरमाएंगे और इंशाल्लाह ताला मामलात में आसानी हो जाएगी और जो देखने आएगा इंशाल्लाह पसंद भी आएगा और आपकी डील भी फाइनल हो जाएगी। तीसरा कलमा पढ़िए। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको बताया है जी, आप इस पर अमल करें इंशाल्लाह ताला, आपका ये मकान जो है ये बिक जाएगा, डील फाइनल हो जाएगी। जैसे बताया है अब अमल आपने करना है, पाबंदी के साथ अमल कीजिए ताकि आपका ये मसला जो है ये हल हो सके। इसी के साथ अपने बाकी तमाम नाजरीन जो हमें ज्वाइन करते हैं प्रोग्राम में और मसाइल का हल उनको बताया जाता है, पाबंदी के साथ अमल आप लोगों ने करना होता है, नमाज की पाबंदी आप लोगों ने करनी होती है, तो इस पर भी खसूसी ध्यान दिया करें, ख्याल रखा करें। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? जी अब्दुल हमीद कर रहा हूँ। कहिए क्या कहना चाहते हैं?
मेरा एक आदमी ने कोई 40 लाख रुपया देने अभी तक नहीं दे रहा, ना फोन उठा रहा है ना बात की कर रहा है, उसके लिए कोई वजीफा बता दे तो मेहरबानी हो। चलें बताते हैं जी आपको, और कुछ कहना है इसके अलावा आपको? जी कुछ नहीं कहना। बहुत शुक्रिया आपका जी अलामा साहब, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमाए, आपकी मुश्किलात से आपको छुटकारा अता फरमाए। मेरे भाई सबसे पहले तो आप नमाज की पाबंदी करें, उम्मीद है आप करते भी होंगे नमाज़ों को, सलातो सोम जो है वो पाबंदी के साथ अदा करें। नमाज फजर को जब आप अदा कर लें तो सूरह यासीन की तिलावत कर लें, ताकि आप पर, आपके घर वालों पर रब ताला की रहमतों बरकतों का नुज़ूल हो जाए। और जो आपका मसला था कि आपकी जो पेमेंट है वो दे नहीं रहे, तो उसके लिए आप नमाज इशा को अदा करने के बाद 2 तस्बीहें अस्तग़फिरुल्लाह और 2 तस्बीहें ही आयत करीमा, या 2 तस्बीहें आप अस्तग़फिरुल्लाह की नमाज मगरिब के बाद पढ़ लें और 2 तस्बीहें आयत करीमा की नमाज इशा को अदा करने के बाद अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ आपने अमल करना है। फिर रब ताला के हुजूर दुआ करनी है, रूटीन में पाबंदी के साथ आपने अमल करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक अपने कलाम इलाही के सदक़े से आपकी परेशानी को दूर करते हुए आपकी जो रकम है वो आप तक पहुँचा देगा। जैसे कि आपको बताया है जी, आप इस पर अमल करें, इंशाल्लाह ताला आपकी ये रकम की जो वापसी है ये हो जाएगी, अमल आप कीजिए। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं शेर आलम बात कर रहा हूँ। क्या नाम है? शेर आलम बात कर रहा हूँ। शेर आलम, क्या कहना चाहते हैं जी? मैम मेरा रोजगार का मसला होता है और दूसरा जो मेरी सेहत सही ठीक नहीं रहती है। रोजगार का मसला, इससे मुराद क्या है? आपके पास जॉब है या नहीं है? जॉब नहीं मिल रही है, मैं कोशिश कर लेता हूँ लेकिन नहीं है। ठीक है, बेरोजगार हुए ना। अच्छा जी, दूसरा मसला आपने क्या बताया? दूसरा, मेरा सेहत ठीक नहीं रहता, मैं कभी कोई बीमार होता हूँ तो कभी कुछ बीमार रहते हैं। चलें आपको बताते हैं जी इस हवाले से, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल किया जी। बता दीजिए अलामा साहब। जी बिल्कुल, मेरे भाई दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी परेशानियों को दूर करे, आपको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। आपने बताया एक तो बीमार रहता हूँ, दूसरा रोज़गार का मसला है। मेरे भाई नमाज़ों की आप पाबंदी करें, नमाज फजर को अदा करने के बाद आपने सूरह यासीन की तिलावत करनी है, और जो आपका रोज़गार का मसला है उसके लिए आपने नमाज मगरिब को अदा करने के बाद सूरह वाकिया की तिलावत करनी है। सूरह वाकिया की तिलावत करनी है अव्वल आखिर आपने दुरूद पाक के साथ। और जो बात है आपकी कि आप बीमार रहते हैं, मुख्तलिफ बीमारियां हैं, तो उसके लिए बेहतरीन अमल ये है कि आप अपना सदका लाजमी दें, क्योंकि जो सदका है वो बीमारियों को दूर कर देता है। आप अपना सदका लाजमी दें, जिस तरह आपको बता दिया है कुरान पाक की सूरतें हैं उनकी तिलावत करें, अव्वल आखिर दुरूद पाक दिन भर में जब भी वक्त मिले करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ें, ताकि अल्लाह पाक अपना फजल अपना करम आप पर कर दे। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको बताया है जी, आप इस पर अमल करें, इंशाल्लाह ताला आपकी जॉब का मसला और सेहत का मसला ये दोनों मसले हल हो जाएंगे। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है? नाम है मेरा शमरेज खान, आजाद कश्मीर से बात कर रहा हूँ, और वेल्डिंग का कारोबार करता हूँ मैं लोहे का। आमदनी आती है लेकिन वहाँ पैसा कुछ बचता नहीं है मेरे पास। अच्छा ठीक है, और इसके अलावा कुछ कहना है आपको शमरेज खान जी? बाकी पैसा ऐसा बचता नहीं है लेकिन कुछ घरेलू हालात भी गुरबत की तरफ जा रहे हैं अभी। ठीक, चलें आपको बताते हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल की है जी। पीर साहब, अल्लाह पाक आसानियां पैदा फरमाए इनके लिए और इनके मामलात बेहतर हों। हम दिल से आपके लिए खान साहब दुआ करते हैं, अल्लाह पाक करम फरमाए, आपके अपने मामलात बेहतर हों, घर के भी जो मामलात बिगड़े हैं बेहतर हों। इसके लिए आपने 313 दफ़ा रोज़ाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द करना है, 313 मरतबा रोज़ाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद व सलाम पढ़िए। ये तस्बीह आपने आज ही से इसका आगाज़ करें, और अपना सदका भी हस्ब तौफीक ये अदा करके आपने इस तस्बीह का आज से आगाज करना है, आगाज कीजिए। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक करम फरमाएंगे, और अल्लाह के नाम की बरकत से, उसके रहमान होने की बरकत से, उसकी शान रहीमियत की बरकत से इंशाल्लाह ताला आपके मामलात बेहतर हो जाएंगे, और जो भी आपकी चीज़ें खराबी का बायस बनी हुई हैं और मामलात खराब है, इंशाल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको बताया है जी, आप इस पर अमल करें, इंशाल्लाह आपका मसाइल, आपके मसाइल हल हो जाएंगे। नाज़रीन इस टाइम प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का। Allah, Allah, Allah.
जी नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले और ब्रेक के बाद तमाम लोगों को खुश आमदीद भी कहती हूँ, और साथ में जो लोग हमें कॉल करना चाहते हैं वो बिल्कुल अभी कॉल कर सकते हैं। कुछ टाइम प्रोग्राम का अभी बाकी है जिसमें आपकी कॉल मिल जाएगी और आप अपने मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। कुरान और कुरान के साथ साथ हदीस की रोशनी में रहते हुए अल्लाह ताला के नामों के जरिए से, कुरान पाक की आयात के जरिए से, कुरान पाक की सूरतों के जरिए से, जिससे आप लोगों के मसाइल यकीनन हल होते हैं। लेकिन जब भी कॉल किया करें पहले टीवी का वॉल्यूम बंद कर लिया करें ताकि आपके मसले का हल जो आपको बताया जाता है और जो बात आप करना चाहते हैं, जो आप अपना मसला बयान करना चाहते हैं वो आसानी के साथ बयान कर सकें और हल भी सुन सकें। जब टीवी का वॉल्यूम ऊंचा होता है तो ना हमें आपकी आवाज़ आती है और मेरे ख्याल से आप लोग भी हमारी आवाज़ नहीं सुन पाते। कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन है और कहाँ से हैं? जी मैं राबिया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी राबिया, क्या कहना चाहती हैं? जी मुझे हाइपरथायराइड का मसला है। किसका मसला है? तो हाइपरथायराइड। हाइपरथायराइड का, अच्छा जी। हाँ जी, तो मैं मेडिसिन ले रही हूँ लेकिन ना उसकी वजह से मेरे दिल वन से कभी दर्द होती है तो वो ठीक नहीं हो रहा। ठीक है। तो हाँ जी, उसके अलावा भी मैं ना वैसे बीमार रहती हूँ, कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है तकरीबन 3 साल से, ऐसा ही है। आपकी एज कितनी है राबिया? मेरी 34। चलें आपको बताते हैं, मेडिसिन तो आप ऑलरेडी ले रही हैं, ये अच्छी बात है। वो ले रही हूं और ना मुझे गुस्सा आपसे ज्यादा आता है, मतलब बर्दाश्त नहीं होती किसी छोटी सी बात की। अच्छा ठीक है। अच्छा राबिया बताइएगा, आप मैरिड हैं? हाँ जी मैरिड हूँ। ठीक है, आपको आपके मसले का हल बताते हैं। शुक्रिया राबिया जी। फिर सर अल्लाह पाक करम फरमाए और हमारी इस बहन को सेहत तंदरुस्ती अता फरमाए। आप रेगुलर जो मेडिसिन का इस्तेमाल है वो जारी रखें, उसमें आपने जो न एक दिन का भी गैप उसमें नहीं करना, आपने जारी रखें। साथ में मेरी बहन आपने एक अमल करना है, 11 दफ़ा सूरतुल कौसर इन्ना आतैनकल कौसर फसल लिल रब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। सूरह कौसर और आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, 11 दफ़ा सूरह कौसर पढ़नी है, 11 दफ़ा आपने आयत करीमा पढ़ के पानी पे दम करके सुबह भी पीना है और शाम यानी रात में भी आप इस अमल को कीजिएगा। 2 दफ़ा आपने अमल करना है, एक दिन में एक रात में, सूरह कौसर और आयत करीमा 11 दफ़ा पढ़ के पानी पे दम करके आप पिए, अल्लाह करीम करम फरमाएंगे, आसानी हो जाएगी और आपके मामलात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। हो सके तो आप खत लिख के एक नक्श भी अपने लिए मंगवा लें ताकि उसके लिए मजीद आपको एक सहूलत हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया है जी, आप इस पर अमल करें राबिया, इंशाल्लाह ताला ये मसला आपका हल हो जाएगा। और साथ में खत भी लिखते हैं ताकि आपको नक्श भेजा जा सके, लेकिन जवाबी लिफाफा भेजना ना भूलिएगा ताकि आपको जवाब में भेजा जा सके, ताकि आपका मसला जो है वो हल हो सके। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन है और कहाँ से है? से बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आबिद। मोहम्मद आदिल जी, आबिद। आबिद, अच्छा जी। आबिद साहब क्या कहना चाहते हैं? पेट का मसला है, मैदे ठीक नहीं रहता, मैदे का मसला है। मैदे का मसला है जी। अच्छा, तो डॉक्टर को नहीं दिखाया आपने? जी दिखाया, बहुत दवाई लेकिन आराम कोई नहीं आ रहा है। कितनी उम्र है आपकी? 40 साल। 40 साल, चलें बताते हैं जी आपको। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल किया। लेकिन जहां पर मैदे के मसले की बात आ जाती है, सबसे पहले तो ये है कि आप डॉक्टर को चेकअप करवाएं और परहेजी खाना खाएं ताकि आपका मैदा जो है वो हल हो सके। रूहानी इलाज जानते हैं, आपको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। जी बिल्कुल, सबसे पहले आप अपना डॉक्टर से चेकअप करवाएं, आपने बताया करवा रहे हैं। अगर आप देखते हैं तबीयत में बेहतरी नहीं आ रही तो डॉक्टर चेंज कर लें, किसी स्पेशलिस्ट को दिखा दें ताकि उसमें मज़ीद बेहतरी आ जाए। उसके साथ साथ मैं इसका आपको वजीफ़ा बता देता हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह पाक अपना करम फरमा देगा और बेहतरी आ जाएगी। सबसे पहले तो आप हस्बे तौफीक अपना सदका लाजमी दिया करें, दिन भर में सदका दे दिया करें, नहीं तो महीने बाद हफ्ते बाद अपना, अल्लाह पाक ने अगर आपको वसी रिस्क अता फरमाया है तो अपने हाथ से सदका जितनी आपकी इस्तेआत है डेली लाजमी दें ताकि आपकी बीमारी जाती रहे। उसके बाद आपने सलातो सोम की पाबंदी करनी है, नमाज फजर को अदा करने के बाद आपने 11 मरतबा सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ पानी में दम करके आपने पी लेना है। इसी तरह जब नमाज इशा को अदा कर लेंगे 11 मरतबा सूरह इखलास अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ पानी में दम करके आपने पी लेना है। रब ताला के हुजूर दुआ करनी है, दिन भर में जब भी वक्त मिले करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करना है, आपकी ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है। फिर अब ताला के हुजूर जब दुआ करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको शिफाए कुल्ली अता फरमा दे। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया है जी, आप इस पर अमल करें इंशाल्लाह ताला, मोहम्मद आबिद आपका ये मसला हल हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, कौन है और कहां से हैं?
मैं ना लाहौर से बात कर रही हूँ, मेरा नाम आसमा है। जी कहिए, क्या कहना चाहती हैं? मैं कहना चाहती हूँ, मैंने 2 साल पहले अपने बेटे की शादी की थी, अली हैदर नाम था। अच्छा जी। और उसकी बीवी का नाम है जेबुलिसा। अच्छा जी। उस जेबुलिसा की अम्मी नहीं है, जिस वजह से ना मैंने उसे अपनी बेटियों की तरह रखा था। अच्छा जी। और मेरी माशाल्लाह खुद भी 2 बेटियां। माशाल्लाह। वो ना 1 साल तो मुकम्मल ठीक रही है। ठीक है। अब उसकी बहन का बड़ी का मुझे असल नाम नहीं पता, मानो कहते हैं उसे जी। और उसके बाप का नाम है यासीन। अच्छा जी। एक बेटा है माशाल्लाह मोहम्मद सुल्तान पोता है मेरा जी। तो ना वो 1 साल हो गया है ना तकरीबन, मेरी बेटी छोटी का नाम है जैनब, उसके साथ लड़ाई झगड़ा जैसे शरारत करनी कुछ भी करना जी। मैंने उससे बड़ी बार समझाया कि बेटा अपने घर का माहौल ना खराब करो, बहनों की तरह रहते हैं। और ना वो जब दिल चाहता है ना तो अपने लेके चली जाती है बाप के पास, बाप उसका बहुत ज्यादा जेन खराब कर रहे हैं। नहीं फिर खुद ही वापस आ जाती है या आप मना कर लेकर आते हैं? नहीं नहीं खुद ही आ जाती है, रहने के लिए जाती है। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, आपका मसला समझ में आ गया। इसके अलावा कोई और बात कहनी है आपको? हाँ जी यही चाहिए, ज्यादा रास्ता बाप से ना रखे क्योंकि वो बहुत फितना मर्द है। चले आपको गाइडलाइन देते हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। अल्लाह पाक करम फरमाए और आप लोगों के घर के जो मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएं। हम दुआ करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, दुआ करते हैं, विर्द वज़ाइफ आपको बताए जाते हैं और आपकी रहनुमाई का सिलसिला जो जारी रहता है हम बड़े दिल से उसका जवाब आपके सवालात का देते हैं। आप या अजीज़ो या वदूदो की तस्बीह आपने रोज़ाना करनी है, या अजीज़ो या वदूदो ये तस्बीह आप करें, अल्लाह पाक करम फरमाएंगे, आसानी हो जाएगी और आपके घर का जो अच्छा माहौल था इसी तरह इंशाअल्लाह ताला वो जारी उसारी रहेगा। या अजीज़ो या वदूदो की तस्बीह करते रहा करें, अल्लाह पाक आप सबके लिए बहुत ज्यादा आसानियाँ पैदा फरमाएं। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तखारा का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अलामा साहब आपका शुक्रिया, फिर सब आपका भी शुक्रिया, आप दुआ करवा दीजिए। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم وصلي عليه یا رب العالمین۔ جتنے کالرز پروگرام کا حصہ بنے میرے مولا تمام کے مسائل کو حل فرما، میرے مولا جو کالز نہیں کر سکے ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہیں تمام کے مسائل کو حل فرما دے میرے مولا، جو دکھی ہیں ان کو سکھ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، تنگ دست ہیں ان کو خوشحالی عطا فرما، جو جسمانی امراض کا شکار ہے ان کو صحت عطا فرما، جو روحانی امراض میں مبتلا ہے ان کو شفا عطا فرما میرے مولا، جو بے روزگار ان کو اچھا روزگار عطا فرما میرے مولا، جو کسی بھی حوالے سے پریشان ہیں سب کی پریشان شانیاں دور فرما دے میرے مولا، جو قرضوں کے بوجھ سے ان کو خلاصی عطا فرما، سب کے کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرما، میری مائیں بہنیں میرے بھائی بزرگ اس دعا میں شامل ہے میرے مولا، سب کے دلوں کی حاجات کو پورا فرما دے میرے مولا، سب کو سکھ عطا فرما دے، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، سب کو مشکلات سے میرے مولا نکال دے میرے مولا، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ COVID-19 جو میرے مولا اب دن بدن اس کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، پاکستان کو عالم اسلام کو اس سے محفوظ فرما میرے مولا، اور جو جو اس کی زد کا شکار ہو چکے ہیں تمام مریضوں کو شفائے کامل عطا فرما میرے مولا، پاکستان کو ترقی عطا فرما، عروج عطا فرما، ہم سب کی خیر فرما، زندگی سلام پہ گزرے اور موت ہم سب کی ایمان پہ آئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علی رحمتک یا ارحم الراحمین۔